अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने से मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है। भोपाल में शनिवार सुबह 3 बजे से गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिश होती रही। हरदा में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 21 जिलों में ओले बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को उज्जैन में आंधी के कारण रीजनल कॉन्क्लेव के टेंट उखड़ गए, जबकि ग्वालियर, गुना, बुरहानपुर में तेज बारिश हुई। भोपाल में रात को तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई। इधर 5 मार्च को फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव हो रहे हैं, इसका असर भी प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश में गर्मी का असर भी देखने को मिला। शिवपुरी को छोड़ बाकी शहरों में दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री के पार ही रहा। ग्वालियर, उज्जैन समेत 21 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल सहित 7 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। देर रात भोपाल में बारिश से तापमान भी गिरा है। इन जिलों में बारिश और ओले गिर सकते हैं। नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, शाजापुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड जैसे अन्य जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता संजय मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, अब मध्य प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। लगातार आंधी चल रही है, तेज बारिश का दौर भी शुरू हो गया है, तो अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक बार फिर से एक्टिव होती प्रदेश भर में नजर आ रही है। देखा जाए तो मौसम विभाग ने इससे पूर्व भी ये जानकारी दी थी कि आने वाले कुछ दिनों बाद फिर एक बार मौसम में बदलाव होगा, और हमने आज से 3 दिन पहले ही देखा था कि प्रदेश के कई जिलों में जब ओलावृष्टि हुई थी, कई जिलों में फसलें बर्बाद हो गई थी, किसानों को उसका ज्यादा भुगतना पड़ा था। लेकिन आज की स्थिति की बात करूँ तो आज भी मौसम विभाग ने जिस प्रकार बताया था कि मौसम में बदलाव होगा एक तारीख के बाद, और हमें वो देखने को मिला आज जो तड़के 3 बजे के लगभग पूरे प्रदेश भर के कई जिलों में जो ओलावृष्टि और पानी गिरा है, गरज चमक के साथ भोपाल में भी वर्षा हुई है। तो इससे लगता है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में एक बार और इसी प्रकार का एक बार मौसम देखने को हमें मिलेगा। जो अरब सागर और जो बता रहे पश्चिम विक्षोभ का एक दौर और ये जो चल रहा है, इस कारण से ये वर्षा की स्थिति बनी हुई है, और आने वाले समय में आज की स्थिति बात की जाए तो आज शाम तक का और भी वर्षा होने की संभावना है। और कई क्षेत्रों में जिस प्रकार से बताया गया कि सही कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, इसको लेकर मौसम विभाग ने किसानों को लेकर भी सावधानी के लिए बोला है कि किसान अपने खेतों में जाने से पूर्व देख ना जाए, और कहीं जिस प्रकार से बिजली गिरने की संभावना बताई जा रही है तो उनका ये कहना था, उनने किसानों को लेकर भी चेतावनी जारी की थी। वहीं अगर दिशा में टोटल ओवरऑल बात करूं तो कहीं ना कहीं आज के दिन भी बरसात पूरे प्रदेश भर में देखने को हमें मिलेगी, और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। जी बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि जो बेमौसम बारिश है, ओलावृष्टि है, ये लगातार जो है किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बेमौसम बारिश उनकी खड़ी फसलों को बर्बाद कर रही है। इसी को लेकर लगातार सरकार प्रशासन भी किसानों के लिए प्रयासरत है, मुआवजा राशि का भी ऐलान किया जा रहा है। बिल्कुल तिशा, जिस प्रकार से देखा जाए तो क्योंकि मौसम विभाग के जिस अभी जो हाल ही में मौसम बदला था और वर्षा के कारण जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ था उसका अभी सर्वे भी पूरा नहीं हुआ है, और आज की जो बारिश है, जो आज तड़के जो बारिश गिर गई है, जो फसलें खड़ी रही है, चने की फसल की बात करी, मसूर की फसल की बात की जाए, गेहूँ भी कहीं कहीं खड़ा हुआ है, तो इन फसलों को जो नुकसान हुआ है फिर एक बार किसानों को लेकर फिर एक बार सर्वे की बात आएगी कि एक बार फिर नए तरीके से सर्वे किया जाएगा। यदि हम ये कह सकते हैं त्रिशा की आने वाला जो बेमौसम बारिश हो रही है, आज का और कल का भी दिन इसी प्रकार का रहेगा, और किसानों के माथे पर एक बार फिर हमें चिंता की लकीरें देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए मौसम विभाग ने जिस प्रकार से जानकारी दी है कि आने वाले 5 से 7 तारीख को एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ का एक असर हमें
देखने को मिलेगा, जिससे जिससे वर्षा ओलावृष्टि हो सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे आने वाला समय अभी लगभग 10 तारीख तक के लिए मौसम इसी प्रकार का रहेगा, गर्मी और ठंड का ऐसा मौसम बना रहेगा और वर्षा भी होती रहेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि मौसम अभी पूरी तरीके से बदलाव देखने को हमें मिलता रहेगा। जी जी संजय, ये जो ओलावृष्टि का, बारिश का, आंधी का दौर ये जो शुरू हो गया है प्रदेश भर में, इससे जो अब तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। बिल्कुल तुषार, जिस प्रकार से देखा जाए तो अभी हाल में कल हम देख रहे थे प्रदेश कहीं भोपाल में ही देखा जाए तो भोपाल में एक तो तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ था, लगभग 37 के लगभग यहाँ पे लगभग तापमान था। और इसके बाद अगर देखा जाए कल से जो आज सुबह से अगर वर्षा हुई है तो अभी जरूर तापमान में गिरावट आई है, और अभी दो दिन तक ये बताया जा रहा है कि अभी बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में गिरावट तो नहीं लेकिन सामान्य रहेगा, लेकिन दो दिन बाद तापमान में गिरावट आएगी, ये मौसम विभाग का कहना है। यही नहीं, पूरे प्रदेश भर में अभी वर्षा दृष्टि के कारण वर्षा के कारण कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे मौसम विभाग ने कहा है जैसे अलीराजपुर, इंदौर, चंबा, अलीराजपुर, गुना, इस साइड में थोड़ा सा ग्वालियर, पानी के साथ साथ यहाँ पे भी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और कहीं कहीं तापमान बिल्कुल सामान्य रहेगा। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और मेरे साथ अधिक चर्चा करने के लिए।